Hello, everybody. Hi, guys. First of all, Eid Mubarak to everybody. Everyone. अरे वाह सर जी, यहाँ पे हमारे साथ संवाददाता पर्ल वीपुरी के साथ बने हुए हैं मिस्टर श्री 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 1008 बार श्री मिस्टर राहुल तिवारी जी। कैसे हैं सर आप? आई मिस यू। क्या बात है, हमारी सिस्टर भी हैं। पैरी बहना दीदी, बहुत सारे लोग आए हैं, हम बस, क्या बात है। क्या बात है। हाँ जी सर जी, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, राहुल भाई मैंने अपनी जिंदगी का दूसरा जो शो किया था, शो का नाम था मेरी सासू माँ, वो शो राहुल सर का था, राहुल भाई का था, एंड आई लव हिम। बहुत ही कमाल के इंसान है वो। हम लोग जब पहली बार ही मिले थे तभी हम लोग आई थिंक हमने फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोग स्नूकर भी खेल रहे थे, फर्स्ट मीटिंग में आई थिंक हम लोगों ने टेबल टेनिस भी खेला था, और ऊपर जाके वो कॉफ़ी भी पी थी। भाई आपको याद है, ऊपर नई नई कुछ मशीन आई थी, कॉफ़ी मेकिंग मशीन थी जिसके ऊपर ऐसे डॉट्स कप पे लग के आते थे, सो वी हैड दैट कॉफ़ी एंड इट वॉज अमेजिंग। दैट वॉज आर फर्स्ट मीटिंग एंड आई कैन नेवर फॉरगेट। क्या बात है, हम इशिता का वेट कर रहे हैं। इशिता कहाँ है हमारी? अरे आ गई इशिता, आ गई, वाह भाई वाह। बसंती आ गई है, कहाँ है बसंती? हाय, हाउ आर यू? ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाउ आर यू? माय गॉड, काफी खूबसूरत लग रही हैं आप। Thank कैसे you. कर लेती हैं? फीलिंग वेरी फेस्टिव। That's why I got fully dressed up. Nowhere to go, but still, हम मनाएंगे ईद घर पे। I am also मतलब not dressed up. Black coffee. मैंने बस कपड़े पहने हैं। मैं इससे पहले वर्कआउट कर रहा था बिना कपड़ों के, मतलब बिना। The only person who's working out and you make me feel very bad, Pearl. मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं। I don't know what I want to do. नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। मैं आए दिन रबड़ी जलेबी, आए दिन पता नहीं कौन सी दालों का हलवा, गाजर का हलवा, ऐसे चल रहा है सब कुछ, लेकिन वर्कआउट भी कर रहा हूँ। मैनेजिंग That is one thing I'm having because I've decided ki itne saal tak, you know, I sacrificed mangoes because I used to gain weight, I used to get a pimple. This year I was like, mangoes, you know, and main roz subah sham I eat mangoes, so I'm very happy. Kya baat hai, mangoes aaye bhi hue hain, bhi bahut acche. Pata nahi koi nice. To matlab I think ha amras has in ready made amras. रेडीमेड आमरस और आम ला के उसका निकाल के रख। गुज्जू हाउसहोल्ड, यहाँ पे फ्रेश आमरस बनता है। अच्छा अच्छा, हाँ, केम छो, वेयर इज वैटी? मजा मा, बहुत गुजराती रेसिपीज आई हैव लर्नड। हाँ, थेपला अभी मैं ट्राइंग, बट हाँ, हाउ इज वैटी? ही इज गुड, ही इज गुड। मैं लाइव पैसे पूछ रहा हूँ, जैसे फोन पे तो मैंने कभी पूछा ही नहीं होगा। But finally we are live and I think none of our fans can complain now. We are very sorry, हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि हम live आए, but like Pearl said last time कि हम भूल जाते थे या फिर you know some miscommunication would happen, and finally we are here to answer all your questions. And by the way Pearl, 3rd May को 1 year is getting over for बेपनाह प्यार। हाँ, 3rd May को? I saw somebody tag me and I was like, God, it's already a इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। आई नो, इनफैक्ट यू नो लास्ट 2 months सरप्राइजिंगली हैव गॉन बाय रियली फास्ट। इट्स बीन 2 months हम घर पे है एंड पता नहीं चला। या थैंक्स टू ये वाले 2 महीने तो पता चले।
ये वाले 2 महीने मैं आई एम somebody, मतलब वी आर बेसिकली वी एक्टर्स, हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं जनरली, तो हमारी आदत हो जाती है काम करने की. एंड मैं वैसे भी थोड़ा सा ना आई एम ऑलवेज ऑन माई टोज. आई एम नॉट या जो मतलब छुट्टी मिलती है ना तो छुट्टी बर्दाश्त नहीं होती इनको. तो छुट्टी के देखते आते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हम लोग सोए खाए बाहर गए, एंड पॉलिस लाइक ओ मैंने ये किया फिर मैंने वो शूट किया फिर मैंने ये किया. सो ही इज लाइक पैक इवन आफ्टर शूटिंग फॉर 24 आवर्स ही हैज स्टिल वर्कड आउट एंड नेक्स्ट डे वो वापस 4 घंटे सोकर वापस आए हैं. सो ओ माई गॉड ओनली यू कैन डू इट. यार मैं क्या करूं. एक्चुअली दिस इज अ थिंग, इट्स नॉट दैट आई इंटेंशनली डू दैट, बट आई फील मुझे सोना नहीं अच्छा लगता. लाइक आई हैव टोल्ड यू पहले भी, आई स्लीप फॉर 12 आवर्स. मुझे लगता है यार ठीक है. मेरे पापा ने ना बचपन में मुझसे एक बड़ी प्यारी बात कही थी. पापा ने कहा था बेटा जिंदगी में, जिंदगी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 1 5 साल और 1 50 साल. ये 5 साल या तो आप काम कर लो और जोड़ लो और उसके बाद 50 साल ऐश करो, और या तो आने अभी 5 साल ऐश कर लो, आने वाले 50 साल तक काम करते रहो. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये वाले 5 साल काम करूंगा, नहीं बाकी भी करूंगा आगे वाले 50 साल में भी, बट बहुत ज्यादा नहीं. फिर मैं इशिता को फॉलो करूंगा, मैं खाऊंगा सोऊंगा और जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में काम करूंगा. चिल आउट. आई नो. सो हाउ इज न्यूटन? न्यूटन इज वेरी गुड. अभी मेरे पास नहीं है, वो दूसरे वाले घर पे है, बट ही इज गुड. वेरी नोटोरियस उसको. हाँ जी, वो भी यहाँ पे नहीं, मेरे पास दूसरे वाले घर पे है. मैन इज एक्सट्रीमली नोटोरियस. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लॉकडाउन से या कुछ भी, उसको बाहर जाना है. अगर उसको बाहर नहीं लेके जाएंगे तो वो घर को बाहर जैसा बना देगा, सब खराब कर देगा, पूरा घर एक गार्डन जैसा दिखाई देगा. तो माइट विल टेक हिम आउट. एंड मेरा हैप्पी उल्टा है. हैप्पी इफ यू आर वेयरिंग बाहर के कपड़े, हैप्पी विल रन इनसाइड द हाउस कि ओ माय गॉड ये मुझे बाहर लेकर जाएंगे तो घर पे छुपो. उसको घर, सिर्फ घर पे रहना है, उसको कहीं नहीं जाना है बाहर. ही इज वेरी हैप्पी विद दिस लॉकडाउन क्योंकि जब पापा यू नो ही स्टेज विद माय फादर एंड माय मदर एंड ही लव्स माय डैड. जब भी पापा बाहर जाते थे यूज्ड टू हैव दिस एक्सप्रेशन, क्या जरूरत है बाहर जाने की, खाना तो फ्रिज से आता है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है. ये बेस्ट है, खाना तो फ्रिज से आता है. दिस इज चिल्ड आउट. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जस्ट सो स्वीट. क्या उन्हें क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए. उन्हें क्या पता सच में. हाँ और बताओ, हाउ इज एवरीबॉडी एट होम? एवरीबॉडी, वी आर कीपिंग आवरसेल्व्स बिजी. हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, शूट करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं. जितने भी लोगों ने इशिता के और वैठी के टिकटॉक्स नहीं देखे हैं, यू आर मिसिंग ऑन समथिंग रियली नाइस. गो वॉच ऑल ऑफ देम. मैं मतलब इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ, मैंने टिकटॉक पे नहीं देखा, मैं टिकटॉक पे भी अब जाके देखूंगा. आप सब भी देखिए इंस्टाग्राम पे, मैंने इनके सारे टिकटॉक्स देखे हैं. माइंड ब्लोइंग. मुझे नहीं पता ये क्या कैसे होता है, वो फेस बड़ा हो जाता है जिसमें. So we have decided we're going to keep that filter forever. हम लोग जो भी करते हैं वो filter डाल के करते हैं, बड़ा मुंह वाला. I think it looks funny. It's too good. Yeah, it's very good and you both do it very nicely. So it's like a shoot, shooting pattern. हाँ हम script करते हैं, हम story लाते हैं, फिर उसको you know we'll change the dialogues. ऐसे मतलब पूरा ऐसा लगता है कि film बना रहे हैं हम लोग. I think Vatsal really enjoys doing it. So he puts a lot of effort into the videos. तो हमें अच्छा लगता है जब लोगों को पसंद है. तो थैंक यू सो मच. आई वत्सल विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस. आई टेल हिम आज भी बनाएंगे इसके बाद हम. हां, ही इज वेरी वेरी टेक्निकली स्ट्रांग, तो आई एम श्योर वो कैसे करके एंगल्स बना देता होगा, लुक्स भी दिखा देता होगा. यहां देख लो, ये लुक है, ये कैमरा है, राइट? ही इज वेरी गुड इन शूटिंग आल्सो. इन फैक्ट वी आर शूटिंग फॉर अ म्यूजिक वीडियो राइट नाउ एंड मतलब हम एक दूसरे का शूट करते हैं. सो जो उसके मेरे शॉट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं बिकॉज ही इज अ वेरी गुड यू नो एट शूटिंग बेसिकली. और जो मैं उस आई एम सो सॉरी. हाँ मम्मा का फोन आ गया था.
काट देता तो फिर से आ जाता, मुझे लगा मैं उठा के उनको बता दूं मैं लाइव में हूं। इट्स ओके, मैं बात कर रही थी अगर चल बात करते हैं। Okay, the lot of people sending us love. अरे एक बात और याद आई, सबको बताना चाहता हूँ। पता है क्या? हाँ जी। Guys, मैं आज से 2 महीने पहले दिल्ली गया था, तो मैं दिल्ली में अपना वॉलेट भूल आया था। तो इशिता और बैटी उस वक्त दिल्ली में एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैंने इशिता को बोला, बैटी को बोला कि प्लीज मेरा वॉलेट ले आना, आई विल टेक इट फ्रॉम यू। इस बात को 2 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। आई स्वेयर घर पे कहीं पे है, घर पे ही है, मुझे नहीं पता कहाँ है। Yesterday I was talking to you ना, and you told me about the wallet. मैंने बोला हाँ हाँ, हमें काफी कॉल्स आ रहे हैं लोगों के। हाँ, so you called me ना, तो मैंने बोला हाँ हाँ, वॉलेट तो है। So then I told Vatsal कि अरे उसका वॉलेट है, तो he said कहाँ है? I said है, he said कहाँ है? हम दोनों कुछ ने कहा है, तो घर पे ही है, safe है, but I love to look for it now. दो पता नहीं कहाँ चला गया वॉलेट, but it's there. हाँ, हम लोग ना तीनों मिलके टिकटॉक बनाएंगे, जिसमें मैं भी अपना मुंह ऐसा फेस बड़ा कर लूंगा, जैसे भी आप बताना मुझे वो फिल्टर करके। हम वॉलेट कहाँ है, तो मैं बोलूंगा कहाँ है, बैठी बोलेगा कहाँ है, आप बोलोगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, करके अच्छा बन जाएगा। इट्स अ वेरी गुड आईडिया, आई विल टेल यू, वी शुड डू दिस। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, आफ्टर 1 ईयर यहाँ है। हम तीनों ऐसे बूढ़े बूढ़े हो गए, खांस रहे होंगे, वो कहाँ है बुढ़ापे में भी। और हम तीनों ऐसे कर देंगे काए 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 काए, और फिर एक कौवे का जिफ डाल देंगे बीच में, काए 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 काए, हम तीनों काए काए करते हैं। मेरे को नहीं आता, यू बोथ आर टू गुड एट इट, मेरे को नहीं आता। आई विल सेंड इट टू यू, अब लोग तो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, वी विल टॉक। बट वी हैव टू डू दिस, रियली फनी यार, दिस इज रियली फनी। इन लोगों ने सुन लिया जो जितने सारे लोग हैं, बट बाकी लोगों के लिए इट विल बी न्यू। हां, बाकी सब लोगों के लिए। अरे प्रकृति भी है, हाय प्रकृति, हाउ आर यू, शी वाज द क्रिएटर ऑफ आवर शो। हाय प्रकृति, हाउ आर यू। प्रकृति कमाल की डांसर है, इनको घर में हम लोग प्यार से नेचर बुलाते हैं। हाय अनिल, Anil is a dear friend. He's also here. अच्छा, हाय अनिल। क्या? Thank you so much, guys. आप सब लोग हमारी तारीफें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। Hi, when I'm seeing that. Anything you guys want to ask? Because last 1 month से मुझे इतने tags मिले हैं, and I was feeling so guilty. I was like, hey, भगवान, ये तो करना पड़ेगा अभी. So I hope you guys are happy, and this is your chance to ask us anything, not anything, whatever you think you can ask us and we'll answer. And hey, dono mere favorite ho, Kajal is saying, sir and main aap pyar start karwa lo, aap karwa lo start, hum to kar lenge, hame koi problem nahi hai. Aur kya, hum ready hain shoot karne ke liye. I loved that show yaar. Maine pata abhi kya kiya tha after workout, because I was too sweaty. तो आई वाज ट्राइंग कि मैं सारे ना अपने बैक कॉम कर लेता हूँ, सो दैट वो रघुबीर वाला लुक आ जाएगा, बिकॉज हम लोग ऐसे हम दोनों साथ में कर रहे हैं, तो वो हुआ ही नहीं। बट योर हेयर इज लुकिंग लाइक रघुबीर वाला ही है ना? नहीं, ये बाद वाला रघुबीर है ना, वो था ना पहले, रिमेम्बर, ऑल बैक। हां हां, वो नहीं, हां दिस इज द अदर वन, हां दैट वाज अ स्लीक वन, दिस इज द अदर वन। हे, डिड यू कट योर हेयर इन दिस लॉकडाउन? No, see. हाँ, मैं वसल बहुत बढ़ गया यार। हाँ, और आप अच्छे काटते हो? हाँ, और मैं बिल्डिंग में अपॉइंटमेंट्स भी ले रही हूँ आजकल। मैं आता हूँ कल। पार्ट टाइम जॉब, हाँ हाँ, this is my part time job. And this, I do this. At least मुझे पता है ना कि जो मेरे बाल काट रहा है उसको कोरोना नहीं है। सिर्फ आवाज सॉरी कट रही है, सॉरी कट रही है। अच्छा, ऑफिशियल ऐश्वर्या सिंह, हमारा नाम ले लो,
हाय ऐश्वर्या, ऑफिशियल ऐश्वर्या, हाय हाय सत्या, हाय मिश, ऑफिशियल नहीं लेना था क्या? ओके ऐश्वर्या हाय, आई वाज वर्किंग एक्सपीरियंस विद ईच अदर, मिशु मिक्षु, आई एम नॉट एबल टू से द नेम, मिश खुशबू, खुशबू इज आस्किंग हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद ईच अदर, इट वाज फैबुलस, अगर फैबुलस नहीं होता तो मैं आज बात नहीं कर रहे होते, इट वाज वेरी वेरी गुड एंड हैड अ ब्लास्ट, सो या इट वाज वेरी गुड. In fact, I love, you know what I miss the most is the coffee sessions. See, I'm having coffee right now. I think hum din bhar black coffee peete the. We were like those two people jinke haath mein constantly black coffee idhar se udhar pass hota rehta tha. Sab soche the hum pagal hain. Ab meko black coffee peeni padegi. Yogendra! Black coffee. Black coffee. You pull. Achha, one more thing. Pearl used to make black coffee with masala. I used to call it gravy. Are you still having gravy? Do you still have gravy? No. Not at all. Actually, gravy kya tha? Meko, main zira hing ajwain ka pani peeta tha. This is very good for health, guys. Agar aap log bhi chahe to pee sakte. To meko taste kharab lagta tha, to main usme coffee dalwa leta tha. So, she used to call that gravy. To main gravy roz peeta tha and fir ek din ek avishkar hua. Vati ne humko coffee bana ke bheji. Aur wo coffee itni mind-blowing thi. उसके बाद हमने वैसी कॉफी कभी नहीं पी. But are you having that mocha pot or what are you having coffee? Yeah. वैसी कॉफी every day. Every day, very good. Vatsal is very happy. He is like promoting mocha pot. Yeah, I'm using. So Vatsal has gifted me a mocha pot, जिसमें मैं हर रोज कॉफी मतलब बनवाता हूँ. और बहुत माइंड ब्लोइंग बनती है गाइस. अगर आप लोग कॉफी लवर्स हैं तो प्लीज मोका पॉट डालिए गूगल पे, आपको पता चलेगा मोका पॉट क्या होता है. अगर पता है आपको तो आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं. और उसमें आप कॉफी डालिए और बनाइए, बहुत कमाल की कॉफी बनती है. अब मोका पॉट वाली कंपनियां सारी हमारे अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप डलवा दीजिए. इनफैक्ट अभी लॉकडाउन जब होने वाला था, सबसे सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी वत्सल को इस बात की हुई कि कॉफी कहां से आएगी. सो भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ नया. But yeah, the coffee was the, I think, the thing that we bonded on the most. And thanks to Pearl, I started having coffee, in fact. I used to not have coffee because I used to think that, you know, I have issues and I used to have some problems. But then Pearl ne mujhe confidence diya. Usne kaha, you can do it. And I did it. Thank you. Cheers. So, coffee basically is something which I need the most, because हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, हम लोगों को बहुत बीच में कई बार ना, you feel lazy, at times you feel dull. Coffee आपको charge कर देती है. It's not good for health. दो मैं पीता था और मेरे को कोई partner ही नहीं मिलता था पीने के लिए. So मैंने इतनी तारीफें की coffee की, इतनी अच्छी अच्छी coffee की तारीफें. तो फिर इसी तरह से एक बार try करते हैं, then she started and I take the credit. I give you the credit. Though my friend Hebba, agar dekhte hogi, toh she'll be very upset because saalon se she's been trying to tell me the, like, you know, you should start having coffee. And maine uski baat nahi mani. Toh wo abhi bhi upset hai that you are my oldest friend and you didn't listen to me and you listened to Pearl and you started having coffee. So wo hamesha bolti hai. Sorry, Hebba. I'm very upset with you. It's all about conviction power. You know, how you convince. Sorry, Hebba. And one more thing that we used to do a lot is we used to have ice cream and what was brownie? Sugar-free ice cream and sugar-free brownie. धीरे धीरे हम लोग फैलने लगे तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम sugar-free खाना शुरू करेंगे. लेकिन ये sugar-free वो sugar-free नहीं था जो जनरली लोग डाइट में खाते हैं. Sugar-free वो sugar-free था. I accept that time you didn't accept it. I told you. No, no. I told you. But it was sugar-free. He's like, नहीं sugar-free. वो हमारा ही अपना क्रिएशन हुआ. मेरा तो वेट गेन हुआ.
नहीं उसके बाद नहीं हुआ, उससे पहले हुआ था. नहीं बट हाँ आई हैव टू से दैट आई अपार्ट फ्रॉम हैविंग दैट मैं अपने रूम में बंद करके बहुत अदरक कचरा भी खाती थी. बट या पर्ल के लिए दैट यूज टू बी हिज ओनली ओनली चीट मील एंड बेसिकली ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई एम नॉट. मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ. आई यूज टू ऑर्डर फॉर एवरीथिंग. हाँ ऑर्डर हम लोग जब ऑर्डर करते थे वो भी जमाना एक अलग है. हम लोग तो किसी को पूछ ही नहीं ले उनको क्या बोलना है क्या सवाल पूछना है, हम खुद ही लगे पड़े हैं. चलो लेट्स अपने में ही लगे पड़े. सो वंस दिस समथिंग व्हिच रियली इट्स वेरी फनी. सो पर्ल की आदत है लाइक यू कैन नॉट ऑर्डर इफ ही इज अराउंड. इफ यू हैव सेड कि मुझे ना ये खाने का मन मन तक वो ऑर्डर होके आ गया है ओके एंड इट्स नॉट कम फ्रॉम वन प्लेस. ही इज कंफ्यूज्ड कि यू नो आई सेड चिली पोटैटोस ही वाज कंफ्यूज्ड कि यहां का अच्छा होगा कि वहां का अच्छा होगा. सो ही ऑर्डर्ड फॉर बोथ. Then he thought कि कर ही रहे तो लंच भी ऑर्डर कर दे. एंड बाई द वे वी हैव घर का खाना ऑलरेडी तो उनके घर से खाना है मेरे घर से खाना है. बट ये ऐसे ही साइड पे कुछ खाने के लिए फाइनली मैं इनके रूम में जाती हूँ एंड देन आई सी द फूड. वो 25 या 30 लोगों का खाना था. आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. मेरे पास फोटो भी होगी मैं कभी डालूंगी. इट वॉज हाँ हम लोगों ने वीडियो बनाया था I think, फोटो या वीडियो. There was so much food, so he's so funny. He forgot to see family pack and he ordered and he didn't see ki wahan pe baju mein likha tha family pack. So family pack is for like 12-15 people and that is from a third restaurant altogether. So do restaurants se chicken potato aaya hua hai and third restaurant se baaki saman aaya hai. So ultimately there was so much food ki hum dono kuch nahi kha paaye because you know when you see so much food you can't really eat. Feel full. Fir hamare set pe baaki logo ne enjoy kiya khane ko. This is Pearl for you. So last I had to literally like take his phone or hide and just order ki main inko bolungi to wo to is mauka hi nahi milega. So that's very sweet of you but next time I have to take you out. I still have to take you out for dinner. अरे नहीं वो होता क्या था ना सी मेरे को क्या सपोज टू बी जैसे हम लोग चिली पोटेटोस खाने हैं या व्हाटएवर हम लोगों को खाना है तो पहले उसमें दिखा रहा था नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी व्हाटएवर एप्लीकेशन में. मैं उनको क्यों प्रमोट करूं पैसे तो देने तो व्हाटएवर एप्लीकेशन में तो लिखा हुआ सो इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर डिलीवरी फ्रॉम अ गुड रेस्टोरेंट. तो मैंने दूसरे वाले रेस्टोरेंट से मंगवाया. जब मंगवा लिया उसके बाद जो चेकिंग की कितनी देर में आ रहा है तो पता चला वो वाला भी अवेलेबल है डिलीवरी के लिए. मैंने वहां का बुलवा दिया. उसके बाद थर्ड मैंने देखा स्पेशलिटी दैट पर्टिकुलर चिली आलू व्हाटएवर हनी 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 पोटेटो वो किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है. मैंने कहा चल ठीक है स्पेशलिटी यहाँ से मंगा लेते हैं देखेंगे जिसका अच्छा होगा हम खा लेंगे. देन आई रियलाइज्ड कि मैंने फैमिली पैक्स ऑर्डर कर दिए थे तो पता ही नहीं चला कि वो इतना सारा आ चुका था. मतलब मेरे मन में वो 4-5 लोगों का खाना था लेकिन एक्चुअल में वो 10-15 लोगों का खाना था. मोर देन दैट आई थिंक 25 लोग तो खा लेते उसमें आराम से खाना. हां इजीली इजीली इतना बड़ा सा वो था ना वो इट वाज लाइक आई हैव नेवर सीन सच अ बिग पैकेट. आई डिडंट नो दिस वाज इतना ज्यादा. लाइकवाइज तो यार दिए है हमने बहुत मस्ती करी यार बेपनाह प्यार में. द शेड्यूल्स वर हेक्टिक. इनिशियली जब हमने बेपनाह प्यार शुरू शुरू ही किया था तो हम लोग शूट ही करते रहते थे. मतलब हम लोग 24-25 घंटे शूट चल ही रहा है खत्म ही नहीं हुआ. वहीं सो गए उठ गए शूट चालू है. एंड मैं पहले हाँ एंड में वहां पे तभी नागिन भी खत्म होने वाला था. हाँ. तो नागिन का क्रेसेंडो चल रहा था और बेपनाह प्यार सेटअप हो रहा था. मैं नागिन का शूट खत्म करता था बेपनाह प्यार पे आता था बेपनाह प्यार खत्म करता था नागिन पे जाता था. मैं घर ही नहीं जाता था 3-4 दिन. मैं शूटिंग फॉर 12 आवर्स बहुत तो अलग ही था यार. बेपनाह प्यार से बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज जुड़े हुए हैं. जो मैंने एक बार एक प्रैंक किया था सबके साथ रिमेम्बर पानी में सबको फेंक दिया था. दैट टाइम यू वर नॉट देयर. तो व्हाट आई डिड वाज मैंने एक इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी भी डाला था नहीं पोस्ट डाला था वेयर सबको मैं बोल रहा था कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी एंड एवरीथिंग. तो अभी मुझे पता था कि दिस गाय मनोज जो मेरा भाई बना था शो में इज अ वेरी स्वीट गाय ही इज वेरी क्लोज टू मी आल्सो. सो वो मनोज के हाथ में फोन था तो मनोज का फोन मैंने लिया. लेट्स क्लिक अ सेल्फी एंड दिस एंड दैट सारे मेरे पीछे आ गए पुश देम ऑल इन द स्विमिंग. हमारा शिफ्ट हो गया
सो व्हेन वी वर इन नायगांव वी रिमेंबर एक ही जगह था जहाँ से हम खाना ऑर्डर करते थे एंड बेसिकली मीठा यू नो लाइक लस्सी एंड छाछ एंड ऑल इट्स अ डेयरी बेसिकली या इट्स अ डेयरी सो वी यूज्ड टू ऑल गो देयर गेट यू नो जो भी अवेलेबल है पनीर पकौड़ा ओह माय गॉड सो मच आई थिंक इट वाज फन वो मसाला मिल्क ऑल आवर एक्टर्स यू नो ऑल द एक्टर्स इन दिस यूनिट ऑल द यूनिट पीपल फ्रॉम द डायरेक्टर्स द प्रोडक्शन एवरीबॉडी वाज सो गुड टू वर्क विद I mean, really, I had a blast. I miss it, honestly. So it was great fun. I miss it too, yeah. It was great fun. Everybody was cooperative. The directors we had, all were good. The set was very nice. It's very positive. It was very positive. Are you laughing? I'll tell you later. I know. हम लोग एक दूसरे के एक्सप्रेशन से इतना ज्यादा कंफर्टेबल है कि हमें पता होता है कि कब कौन सा आने वाला है हम लोग देखते रहते सो शी वाज लाफिंग इनसाइड सबटेक्स्ट में ऐसा सेट पे भी अक्सर होता था In fact, हमें बहुत डांट पड़ती थी. I think this is, I don't know, in whatever work that I have done, इतनी झाड़ डायरेक्टर से कभी नहीं पड़ी है मुझे जितनी सेट पे पड़ी है because we were always like laughing, making fun, cracking jokes, and लोग literally से छोड़ के आते थे कि बच्चे सुनते नहीं है, they are like not listening to us. So of course we would shoot seriously, but there were times when, especially जब family साथ होती थी, तो I think हम बहुत मस्ती करते थे. We would just be like laughing. हंसते ही रहते थे. पूरे टाइम जैसे एक्शन हमारे चलो ठीक है एक चीज और याद दिलाता हूँ आपको मैं कुछ बोल अभी देखिए मैं कुछ बोलूंगा और इशिता से की एक्शन मैंने कहा हमारे साथ ऐसी हरकतें होती थी इट्स नॉट जस्ट आवर फॉल्ट हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें होती थी यू वर नॉट एबल टू कंट्रोल हमको हंसना ही पड़ता था और हम और फिर क्या होता था अब अगर मेरे को कोई चीज पता लग गई और मैं हंस रहा हूँ इशिता को पता लगी इशिता से हम लोग लगता था यार हम ही लोग हंस रहे हैं बाकी सबको पता नहीं तो हम वाली बात सबको जाके बता देते थे जब सब हंसेंगे फिर हमारा ठीक हो जाता था और सारे हंसते थे फिर हम नॉर्मल सीरियसली सो वी यूज्ड टू बी लाइक देखो कितने सीरियस है उनको नहीं पता कि हम हंस चुके हैं एंड वी हैव स्प्रेड इट टू एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज लाफिंग बट ओ माय गॉड सच अ ग्रेट टाइम दैट वी हैड ऑन द सेट्स एंड हम लोग की कोई है नहीं ना none of the I don't think anybody is online like Tanvi or someone then we could have chatted with them actually हम देख ही नहीं रहे कौन है we are just like talking lot of इतनी सारी बातें बच्चे lot of people are saying hi hi guys hello Monica Verma hi sorry we must have missed a lot of questions नहीं आप लोग एक दूसरे से बात ही कर लो ये सरकास्टिक था ओके अरे मेरी दीदी आ गई माय सिस्टर आल्सो देयर एंड शी सेइंग मिस यू भाई एंड हाय इशी हेलो So guys, you want to ask anything? I know after that, then all of us stay. Then we all start. We start talking about us only. But one thing that we have to do is do a reunion once this gets over. I really want to meet all of you and chit chat and just like actually just go out somewhere. So we should. Achha, right now, चलो एक काम की बात भी याद आ गई. Going out से, guys. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली को भी यही बोल रहा हूँ आई थिंक मैंने इशिता को भी कल यही बताया था बेसिकली 31st को लॉकडाउन खुलने वाला है राइट एज ऑफ नाउ तो जो भी सिचुएशन है अगर खुल जाता है तो प्लीज आप लोग घर पे ही रहिए बाहर मत जाइए क्योंकि अभी तक जितना सेफ था अगर आप इसको प्रॉब्लम मान रहे हैं एपिडेमिक मान रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा अब हो सकता है बिकॉज एवरीवन विल बी आउट अभी सब लोग बाहर नहीं निकले हैं सबको बाहर जाना होगा काम करने वाले काम करेंगे So I just want you all to not go out. Still stay home, stay safe. क्योंकि अभी बहुत
सिचुएशन खराब हो सकती है, भगवान ना करे खराब हो, भगवान करे सब ठीक रहे, सब अच्छा रहे, किसी को भी कोरोना ना हो, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हम लोग भी बाहर अभी खुलने के बाद भी वील ट्राई एंड बी होम, बी सेफ, एंड आप लोग भी प्लीज घर पे रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अपने फैमिली को, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उन सबको ये बात बताइए कि लॉकडाउन खुल गया इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है या वैक्सीनेशन बन गई है. तो ना कोरोना गया है मार्केट से, ना वैक्सीनेशन अवेलेबल है, अभी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है. सो यू जस्ट स्टे होम. इनफैक्ट जितने लॉकडाउन के पहले जितने लोग इन्फेक्टेड थे अभी ज्यादा है, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आल्सो इज गोइंग हायर. आए दिन आपको खबर मिलता है कि बाजू में किसी को हो गया, इस बिल्डिंग में किसी को हो गया. सो व्हाट ही सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट. प्लीज आफ्टर दिस गेट्स ओवर, ऐसे जस्ट बाहर मत चले जाइए कि यहाँ जा रहे हैं मिल रहे लोगों को. यू स्टिल मेंटेन, वी विल हैव टू प्रॉब्ली लिव विद दिस फॉर सम टाइम टिल द टाइम प्रॉपर सॉल्यूशन आए. सो बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली बिकॉज आपके साथ आपकी फैमिली भी है, ओल्ड पेरेंट्स है, बच्चे हैं. सो यू नो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल एंड टेक दिस वेरी सीरियसली. अभी भी मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं है. जब समटाइम्स व्हेन आई गो आउट टू बाय माय ग्रोसरीज, आई स्टिल सी पीपल वॉकिंग अराउंड एंड यू नो इन झुंड में, यू नो एज अ ग्रुप. जहाँ भी यू नो कॉप्स आर एबल टू कंट्रोल इट, दे आर डूइंग इट, बट यू नो इवन दे हैव लिमिटेशंस बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू मॉनिटर एवरीबडी. सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर आवरसेल्व्स एंड पीपल अराउंड अस. तो अगर आपके कॉलोनी में, आपके जान पहचान में कोई फॉलो नहीं करे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम एंड टू मेक देम अवेयर कि ऐसा ना करें. या प्लीज गाइस ऐसा मत कीजिए. और इस चीज को समझना बहुत मुश्किल नहीं है. मुझे पता नहीं कि सब लोग, मतलब हो सकता है आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो समझ रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो नहीं समझ रहे हैं. बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप बाहर जाएंगे, किसी भी इंसान को अगर होगा, उससे वो कंटामिनेट हो सकता है, आपको हो सकता है. अगर वो किसी चीज को छुएगा और आपने उस चीज को छू के अपने फेस पे लगा लिया, तो भी आपको हो सकता है. सो इट्स एक्सट्रीमली रिस्की टू गो आउट, यू शुड नॉट गो आउट. जैसे कहते हैं ना, वो फ्लाइट में वो एयर होस्टेस क्या बोलती है, दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सहायता करें, अपना मास्क निकालें, मुंह पे पहने, आगे दो द्वार पीछे दो द्वार, कुछ नहीं मिला तो हरिद्वार. तो आप उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको, अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख लें. सपोज टू बी अगर आपको कुछ होता है तो डेफिनेटली आपकी फैमिली को भी हो जाएगा. सो जस्ट बी सेफ. बहुत ज्ञान हो गया आप लोग. हाँ जी, ओके. सो आई थिंक वी गोइंग टू रैप इट अप. I have to go and have pani puri. Just saying. That's my dinner today. Sorry, Pearl. You should never ask me what I have for dinner. My dinner, बहुत interesting चीजें खाती हूँ. So today. कोई होता जिसको अपना. And listen, listen. And amras. जब खत्म होगा मैं भेज रहा हूँ अभी गणेश को. अभी गणेश को भेज. हाँ, डन. एंड आई कैन स्टोर आमरस इन द फ्रिज फॉर यू. सो आई विल स्टोर it for you, so whenever the lockdown is over you can aram se have amras. Hum ek ek saal tak store karte hain. So ho jata hai, kharab nahi hota. Nahi nahi, you know amras mein when like main bol rahi hu aise main banati hu, I don't make it, but I have heard that amras se banate hain, so uska jo seed rehta hai, the big seed, you keep the seed in the tub jisme aap rakh rahe amras ko, to wo it acts as a preservative, natural preservative, aur wo kharab nahi hota. निकालते जितना जरूरी होता है निकालते, बट आई एक्चुअली स्टोर्ड आमरस फॉर अप टू अ ईयर एंड आई एम स्टिल अलाइव, सो इट्स गुड. आई कैन दो तीन महीना तो आराम से स्टोर कर सकता है. ठीक है, इतने में तो हो जाएगा, मैं आपका खाता हूँ. So done. Amras, I'll store for you and I will keep telling you what I'm eating and and we will make a TikTok. Yeah. Haan, we will make that TikTok. Kahe? Wallet? Kahe? So that we have to do. So I'm going to tell Vatsal and we'll do that. So thank you guys for joining us. Thank you, Pearl.
थैंक्स टू मी फाइनली वी डिड इट हम याद रखे हम लोग आज भी 6 बजे करने वाले थे 6 बजने को 3 मिनट पे मेरी आंख खुलती है मैं गूगल हेलो मैं अभी उठा हूं जस्ट हम लोग कितने सो हमारा शेड्यूल इतना प्रॉपर है आई एम बेसिकली मी आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड मैं 6 बजे तक सो जाता हूं सुबह 6 बजे तक सो जाता हूं और शाम के 6 बजे तक उठ जाता हूं सो आई एम वेरी पर्टिकुलर आई एम अ लिटिल लीनियंट लिटिल बेटर नॉट अ लॉट बट आज मैं 7 बजे उठी अच्छा सो बेसिकली 1 घंटे आपके सोने के 1 घंटे बाद में उठ गई सो अच्छा सो या बट दैट्स ओनली वन ऑफ दीस डेज वन ऑफ 7 बजे सुबह हां उठ गए हाँ फिर 9 बजे सो गए वापस 7 बजे उठी ये हुई ना अब अच्छा लग रहा है 7 बजे उठ के ब्रेकफास्ट खाया चाय पिया कॉफी पिया जो भी पीना था पी के सो गई फिर 1 बजे उठी लंच खाया फिर दोपहर को थोड़ा नैप लिया बेसिकली अब ठीक लग रहा है दिस इज साउंडिंग लाइक क्वारंटाइन या हां फील्स लाइक अ समर वेकेशन बट कूल थैंक यू सो मच पर्ल आई थिंक थैंक यू सो मच लेटर लेटर या बहुत सारे हम लोगों ने बीच बीच में ना बातें ऐसी शेयर की हैं जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ बोला नहीं बट हम समझ गए तो वो हम लोगों को भी पेट में दर्द होगा अगर नहीं बात करेंगे पर लाइफ पे नहीं बोल सकते किसी को खराब लग सकता हां लाइफ में बोल सकते ओके या ओके गाइस टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ईद मुबारक एक बार फिर से आप सभी को 3 बार हग 1 2 3 3 बार कह देना सर या ओके Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Take care. See ya. हम लोग पोज बना के खड़े हुए अच्छा बहनों और भाइयों आज ईद के मौके पे आपने देखा पल्लवी पुरी और रशिता दत्ता लाइव थे आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक और मैं जाता हूँ नहाने मैंने कर लिया वर्कआउट मैं वर्कआउट कर रहा था ऐसे करे तो किसी से चैट करके चलें कौन लवाएगा हमारे साथ एक सेकंड रुक जाओ देखता हूँ राइट हम देखें हम किसके साथ लाइव वीडियो पे आ सकते हैं हाय आई एम गुड एंड यू मैं बहुत अच्छा हूँ जितने हो पाते हैं रिपोस्ट भी कर देता हूँ पर जो नहीं हो पाते जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता उसके लिए थैंक यू अलीशा मैं सोच रहा हूँ मैं हाँ जी अब मेरा नहीं करते सबका करते नहीं नहीं मैं आपका भी करूंगा डेफिनेटली एंड थैंक यू सो मच अलीशा मैं सोच रहा हूँ मैं जितना टाइम है थोड़ा बहुत और किसी से भी बात कर लेते हैं सबको खुश करना अच्छी बात है हाँ जी हाँ जी मैं पक्का चेक करूंगा आपका अकाउंट का एक बारी नाम फिर से बताइए पल्लवी पुरी क्रेजी फैन पल्लवी पुरी क्रेजी फैन ठीक है थैंक यू सो मच अलीशा थैंक यू चलिए एक आखिरी लाइव देखो 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 क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में कौन आया कौन आया कौन आया हाय कैसे हैं आप हाय ओह माय गॉड आई कुडंट बिलीव आई हेल्प कर ली कैसे हैं आप
फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक. कैसे चल रहा है, आपने शीर कोरमा खाया कि नहीं? आई थिंक लैग आ रहा है, थोड़ा सा अटक रहा है वीडियो. हेलो, आपको मैं दिख रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हेलो. बहुत अच्छा, कैसे हो सर आप? I'm biggest fan of you. I'm shivering right now. मैं बहुत शिवर कर रही हूँ इस टाइम में. जब आपने बोला ना कि लास्ट लाइव आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं सोच रही थी कि काश मेरा एक्सेप्ट हो जाए. थैंक्स, थैंक यू सो मच कि आप ऐसा सोच भी रहे थे, और थैंक यू सो मच मुझे पसंद करने के लिए. शीर कोरमा खाया कि नहीं? माय सिस्टर इज शाउटिंग हियर. इज शी अंजलि? हाय अंजलि, कैसे हैं आप? अच्छा, आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, आपका नाम क्या है? Oh my God. Thank you. वो चिल्लाने चली गए सारे. मैं फैमिली में कितनी ज्यादा आपके लिए फैन हूँ, आपकी फैन हूँ. अभी मैं दरवाजा बंद करके, सब कुछ बंद करके, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने कहा अभी जस्ट लाइक हेयर की मैं पूरा लाइव देख के जाऊंगी. अभी नहीं, I'm so sorry, हमारा लाइव एक्चुअली थैंक यू सो मच थोड़ा लंबा खिंच गया. अभी आप आराम से खाना खा लीजिए. आपका नाम तो बता दीजिए मुझे. वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है. हेलो, आई थिंक वीडियो अटक ही गया. चलिए कोई बात नहीं. सो गाइस, मुझे लगता और मैं जाके नहा धो के पूजा वूजा करके खाता हूँ. सरप्राइज सरप्राइज, एक और लाइव. हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, हाय, ईद मुबारक. मेरा मन करता है मैं आप सबके साथ लाइव कर लूं, बट पॉसिबल नहीं. फिर भी लगता है कि नहीं चलती क्या. हाय, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु. हेलो, आई एम बिग फैन ऑफ यू सर. प्लीज चेक माय पोस्ट. हां जी, आई विल डेफिनेटली चेक इट. हां जी, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. आई गॉट द थिंग ऑफ यू. थैंक यू. पार्डन मी, आवाज चली गई. What were you saying? You liked my book before. My last account you have liked, sir. Mm-hmm. क्या बात. So sweet of you all, यार. आप लोग कितने कमाल के posts बनाते हैं, कितने कमाल के BMs बनाते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ. मैं ऐसे अकेले कभी खाली टाइम में बैठा होता हूँ, देखता होता हूँ ना, बड़ा मजा. Sir, I have messaged. Thank you so much, guys. आप लोग इतना सारा मुझे प्यार देते. One time, can you message me, sir? हाँ जी, I have messaged you. हाँ, yes, I messaged you, sir, but no reply came. I will definitely check and reply.
Thank you so much. God bless you. Take good care of yourself. Be safe. And Eid Mubarak. Eid Mubarak, sir. Bye-bye. Thank you so much for your life, sir. Bye. Thank you. Take care. सो गाइज बड़ा मजा आया, बहुत सारे लाइव चैट करके, बहुत सारे अपने चाहने वालों से बात करके जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ. एंड ट्रूली ऑन अ सीरियस नोट, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे इस चीज को एक्सप्रेस करूँ. सी आई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ. आई लव द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड सो मच. आई थिंक दैट्स द वे टू पुट इट मे बी. पर थैंक यू सो मच गाइस, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का, क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत बहुत सारा प्यार दिया, अभी भी दे ही रहे. आप लोगों के लिए ही हूँ मैं, आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोगों के प्यार से ही मैं हूँ. ऐसे ही प्यार करते रहिए और प्लीज सेफ रहिए. मैं जेन्युइनली आप सभी से दिल से कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, उसे कुछ भी हो. प्लीज बाहर मत जाइए, घर पे रहिए, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, कुछ ना कुछ आप मैनेज कर लेंगे. थोड़ा बोर हो सकता हूँ, बहुत सकता है बहुत मन करे बाहर जाने का, यार कितने दिन हो गए घर पे बैठ के, लेकिन फिर भी मत जाइए गाइस, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी सेफ. हम सब सही रहेंगे, ऑल पीवीपीएंस, ऑल पोलियंस, एवरीबॉडी, पीवीपी फैमिली, एवरीबॉडी हु लव्स पीवीपी वोंट गो आउट एंड वोंट लेट एनीबॉडी फ्रॉम हिज हाउस गो आउट, फ्रॉम हिज फैमिली गो आउट. बी होम, बी सेफ, आप सब सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें. और एक बार फिर से ईद मुबारक टू एवरीबॉडी. मैं जल्दी से फिर से आऊंगा, जल्दी से हम लोग बहुत सारा फिर से लाइव करेंगे, ऐसी सरप्राइजेस खेलते रहेंगे. थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन.